हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ मेरे फेसबुक पेज पे रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिव यूआई इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो बेसिकली जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे पास दो तीन क्वेश्चंस होते हैं कि ये मतलब एप्लीकेशन जो है फ़ोन पे चलेगी या टैबलेट पे चलेगी। पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर टैबलेट पे नहीं चलती तो टैबलेट को हम कंसिडर भी नहीं करते। सेकेंड, जो उसका व्यू है, जो उसकी ओरिएंटेशन है, वो पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों पर रखनी है या सिर्फ पोर्ट्रेट पर रखनी है। कुछ एप्लीकेशन होती है जो लैंडस्केप के लिए नहीं वर्क करती, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम नहीं चलती लैंडस्केप पे, सिर्फ पोर्ट्रेट व्यू उनका काम करता है। लेकिन फेसबुक या फेसबुक दोनों पर वर्क करती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के नेचर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोबाइल के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं और टैबलेट के लिए किस तरह रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और इसका नाम कुछ भी आप रैंडम रखते हैं, अपना रिस्पॉन्सिव में रख देता हूँ। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अच्छा, आपको जब भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो के बिल्कुल आपने इंस्टेंट रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है, तो सबसे मेजर चीज जो है इमेजेस जो आप यूज करते हैं वो आपके पास हर साइजेस में मौजूद होना चाहिए। मतलब जो स्मॉल साइजेस और मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो पिक्सल डेंसिटी होती है उनकी इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ कि अगर आपका डिज़ाइनर आपको एक इमेज देता है खाली और आपको खुद ही ब्रेक डाउन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जावा क्लास में बंद कर देता हूँ, जावा का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा मैं एक लेआउट बनाऊंगा और उसी को हम टेस्ट करेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं मटेरियल जो है वो ले लेता हूँ, मटेरियल की इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स चेक ये एंड्रॉयड एक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास एंड्रॉयड एक्स है उसमें बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया हुआ है कि सारी लाइब्रेरीज इन्होंने इसके अंदर डिज़ाइन साइड की जो है वो इसके अंदर बिल्डअप की है। और वर्जन हम देख लेते हैं, वर्जन हमारे पास कौन सा चल रहा है, वर्जन मैंने देखा था अभी, गिव मी अ मिनट। आपको जो भी लाइब्रेरी चाहिए हो मटेरियल एंड्रॉयड की अपनी, वो आप उसके अपने डेवलपर प्लेटफॉर्म से जाके उठा सकते हैं। तो ये मैंने एक लाइब्रेरी अपनी इंप्लीमेंट की है गूगल की मटेरियल डिज़ाइन की, जिसका जिसका बेसिकली मुझे एक कंपोनेंट यूज़ करना है कार्ड व्यू का। सो यहाँ मैं आ जाता हूँ और यहाँ मुझे कार्ड व्यू लेना है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप विड्थ इसकी सेट कर रहे हो स्टैटिक यूज़ ना करें, मतलब इसको कोई साइज ना बताएं आप विड्थ का, सही है? तो क्योंकि विड्थ जो होती है ना, मतलब जिस तरह आपको यूज़ करें, अगर फुल पे चाहिए आपको तो मैच पैरेंट यूज़ करें, अगर आपको हाफ स्क्रीन के लिए चाहिए तो वेट सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, लेकिन स्टैटिक ना दें। क्योंकि अगर आप 20 लेट सपोज अगर इस स्क्रीन पे सही चल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी जो साइजेस हैं उन पर भी सही चलेगी, उन पर वो डिफरेंट बिहेवियर उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं अभी एक व्यू बनाता हूँ खाली, मैच पैरेंट लेट सपोज मुझे चाहिए। अच्छा, अब जो हाइट होती है, हाइट को भी आप कभी स्टैटिक ना दें, कभी डिफाइन ना करें कि मुझे इतनी हाइट चाहिए। हाइट हमेशा स्क्रोलेबल रखें, रैप कंटेंट पर रखें कि जितनी आ सकती है उतनी आ जाएगी, वरना हाइट का वो किसी मोबाइल के ऊपर अगर उसकी हाइट छोटी होगी तो वो आपका कंटेंट कटेगा। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा रैप कंटेंट। कार्ड व्यू की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यूज़ कर लेता हूँ, एलिवेशंस, रेडियस। अच्छा, इसका कोई रिस्पॉन्सिव से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट मैं इसकी डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए कर रहा हूँ। रेडियस, एप कॉम्पैक्ट, ऑल राइट। और कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा वाइट, और जो मेरा मेन बैकग्राउंड होगा वो ग्रेश होगा, और मैं ग्रेश इसको यहाँ से इस तरह जाके सेलेक्ट कर। ऑल राइट, तो सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लेते हैं, इसके अंदर मैच पैरेंट रैप, और ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल, और यहाँ पे जाके एक और लीनियर लेआउट, मैच रैप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, सही। अब यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए इस पोजीशन पे, इमेज और हॉरिजॉन्टली एक टेक्स्ट चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इमेज को किस तरह से अपने पास इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे पास लेट सपोज एक इमेज साइज है, मेरे डिजाइनर ने मुझे सिर्फ एक ही साइज दिया इमेज का, अगर वो आपको सारे साइज देता तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक साइज आता है तो तब क्या करें आप? सबसे पहले तो आप फाइल में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, और जो प्लगइन्स है ना यहाँ से प्लगइन डाउनलोड कर लें, ड्रॉएबल इम्पोर्टर। ये देखें, ये वाला प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, एंड्रॉयड ड्रॉएबल इम्पोर्टर। आप यहाँ पे जाएं, इसको इंस्टॉल कर लें और एंड्रॉयड स्टूडियो रिस्टार्ट करने का बोलेगा, आप वो कर लें।
सिंपली, बस और कुछ नहीं। अब आपके पास एक इमेज है, मैं ड्रॉएबल पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू। यहाँ पे आप देखेंगे बैच ड्रॉएबल इंपोर्ट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। आपको अपना जो इमेज का जो पाथ है, लोकेशन, वो उसको देनी है। लेट सपोज मेरे पास ये है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मैं गया और मैंने ये इमेज उठा ली। अब ये मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आपने किस किस स्क्रीन साइजेस पे इसको यूज़ करना है। मैंने बाय डिफॉल्ट सारे सेलेक्ट होते हुए आते हैं, तो मैंने इसको वही रहने दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब जो ये लोअर स्क्रीन साइज दिखा रहा है कि लोअर पे मैं ये पिक्सल डेंसिटीज को दिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है ये, 8484 बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है? अगर आप यहाँ पे आते हैं गूगल पे और लिखते हैं कि इमेज साइजेस क्या है ड्रॉएबल के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे। तो किसी भी एक लिंक पे जाएं और जो मोस्ट रिसेंट अपडेटेड लिंक हो, यहाँ पे देखें आपको इसमें सारे बताए हुए डिज़ाइन के ये प्रिफर किए जाते हैं, ये साइजेस आपके होने चाहिए। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि सबसे बड़ा जो है 192 बाय 192, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, और जबकि मेरा 450 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी सोर्स की विड्थ है ना, उसको मैं 100 कर देता हूँ। 100 करने में क्या हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट उसके करीब करीब आ गया डिज़ाइन मेरा, 37। ये भी फिर भी बड़ा जा रहा है, वो 192 था, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पिक्चर भी मैंने गूगल से उठाई है, किसी डिज़ाइनर ने मुझे नहीं दी। मैं इसको ओके करता हूँ, ओके। और यहाँ पे जब आप ड्रॉएबल पे देखेंगे ना, तो इमेजेस मेरी सारी साइजेस के अंदर इंपोर्ट हो गई। ये होती है पहला की एलिमेंट, ये है रिस्पॉन्सिव का, कि आपकी जो इमेजेस हैं वो सारी मल्टीपल स्क्रीन साइज के हिसाब से यूज़ हुई हुई हो, ना कि एक साइज हो उसके अंदर। अब यहाँ पे जब आप इसको इमेज देंगे ना, तो यहाँ पे कोई विड्थ आप डिफाइन नहीं करेंगे कि 25 बाय 25 या 60। आपने से इसको रैप रैप कंटेंट और सोर्स इमेजेस, तो जो भी स्क्रीन साइज के हिसाब से जब सेलेक्ट होगा ना, तो वो ऑटो एडजस्ट करेगा अपने आप को। टैबलेट की तो अभी हम बात नहीं करते, तो अभी मैं आपको सिर्फ टैबलेट पर ले जाके दिखा रहा हूँ भैया। और इसके साथ मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, रैप रैप, टेक्स्ट को मैं कोई हाइट कोई विड्थ नहीं दे रहा, और टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉइड रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूआई तक बस इसको छोड़ देते हैं, या आगे और ताकि मल्टी लाइन के अंदर आ जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डिजाइनिंग एलिमेंट्स, और कलर should be black and size 13 SP and gravity, layout gravity will be center और margin left 10 dB। तो ये हमारा छोटा सा डिज़ाइन बना है। इसके अंदर मैं और चीज़ें ऐड करता हूँ, ये आ गया horizontal। यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, इमेज व्यू, रैप रैप, और सोर्स मैं इसको देता हूँ। अच्छा, सोर्स देने से पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगी वो पिक्चर। ड्रॉएबल में क्या, अगेन ड्रॉएबल बेच इंपोर्टर एंड लैंडस्केप, ये मेरी है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मुझे जो इमेज यूज़ करनी है वो बड़ी साइज़ की यूज़ करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। तो जो इसने ओरिजिनल जो इसकी हाइट पे उठाई है, वो मैं इसको जाने दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए लैंडस्केप, मेरे पास आ गई, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ लैंडस्केप। अब इमेज थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो मैं इसको सही करने के लिए स्केल टाइप सेंटर क्रॉप एंड मार्जिन टॉप 10 dB एंड इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो 5 dB से की। अच्छा, अब देखें यह मेरा पोर्ट्रेट के ऊपर जो डिज़ाइन बना है, इसको सबसे पहले पोर्ट्रेट के ऊपर मैं मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ज़रा 5.0 इंच स्क्रीन सही है, 5.5 सही है, 6.3 सही है। अच्छा, मैं जाता हूँ थोड़े ओल्डर फ़ोन की तरफ, 4 पे देखें सही है। जेनरिक इसमें जाता हूँ 4.7 सही है। 4 असल में 4 से नीचे मैं इसलिए नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ये यूज़ भी नहीं होते। 4 भी बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास हो तो मिनिमम आजकल 5.0 ही आपको दिखेगा सही। अब इसी को हम करते हैं लैंडस्केप। यहाँ से जब मैं इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और जब मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप करता हूँ, तो यहाँ से देखें ये थोड़ा सा कट रहा है, इमेज मेरी पूरी नहीं आई। अब इस इमेज को पूरा रखने के लिए यहाँ पे जो हमने रैप रखा था, इसको करना पड़ेगा मैच, तो ये मेरी इमेज पूरी पे आ गई। अब मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फोन के ऊपर जब भी आप चलाएंगे, तो ये कहीं पे भी जाके डिस्ट्रॉय नहीं होगा आपका डिज़ाइन। अच्छा, अब अभी हमने टैबलेट की बात नहीं की, अगर मैं टैबलेट पर जाता भी हूँ ना, तो ये दिखाएगा मुझे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आप देखें टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा हो गया,
अब आपको अगर टैबलेट के ऊपर थोड़ा सा कुछ और एलिमेंट ऐड करने हैं और टैबलेट पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखाना है, तो उस केस में क्या करना है? तो मैं इसको टैबलेट पर पोर्ट्रेट करता हूँ, मैंने लैंडस्केप रखा था। तो सबसे पहले आप जाएँ एंड्रॉइड, यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रोजेक्ट पे जाएँ, आपको असल में लेआउट डिफरेंट करना पड़ेगा। कुछ एप्लीकेशन आपने देखेंगे टैबलेट के ऊपर एक ही स्क्रीन पर ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, वो किस तरह आ रही होती है, सेम एप्लीकेशन। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे जाएँ मैं रिसोर्स, यहाँ पे देखें लेआउट का एक फोल्डर बना हुआ है, आपने जाना है रिसोर्स के ऊपर, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्टरी बनानी है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ से आपने रिसोर्स टाइप लेआउट रखना है, साइज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डैश डाल के आगे लिख देना है लार्ज। इस तरह आप और भी बना सकते हैं, स्मॉलर स्क्रीन के लिए भी बना सकते हैं, मैं अभी टैबलेट के लिए बना रहा हूँ। आपने सो करना है लार्ज, और जो हमारा जो ओरिजिनल एक्टिविटी मेन का जो लेआउट था वो आपने कॉपी करना है और लेआउट डैश लार्ज के अंदर बिल्कुल पेस्ट कर देना, और कोई इसका रिनेम नहीं करना, सही है? अच्छा, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज है ना, इसको मैं कर देता हूँ 18। टेक्स्ट साइज मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, आप चाहे तो इमेज भी आप यहाँ पे बड़ी यूज़ करवा सकते हैं, इमेज यहाँ पे अगर आप कोई दूसरी इमेज इंपोर्ट करवाएं बड़ी साइज की, वो भी आप कर सकते हैं। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इधर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्रॉस बना हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पे छोटा सा, ये बता रहा है कि ये जो आपने लेआउट डिफाइन किया है ये कहाँ कहाँ के लिए यूजेबल नहीं है। फोन के लिए यूजेबल नहीं है, और एंड्रॉयड की जो वियर वॉचेज हैं उसके लिए भी वियरेबल नहीं है, टीवी के लिए और टैबलेट के लिए ये लेआउट चलेगा हमारा। तो अगर मैं जैसे ही कोई मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ओरिजिनल लेआउट खुल जाएगा जो कि मैंने पहले बनाया था, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा ये टैबलेट के लिए और टीवी के लिए नहीं चलेगा। जो हमने टेक्स्ट साइज चेंज किया था, यहाँ पर देखें 13 है, और जब मैं इस वाले लेआउट के अंदर जाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट साइज मेरा 18 है। तो इस तरह आप अपने लेआउट को सेपरेट कर सकते हैं, और टैबलेट का अलग, फ़ोन का अलग, लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए आप अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपने दो ये तीन तीन चीज़ें आपने याद रखनी है जब भी आप डिज़ाइन बनाएं किसी ऐप का, तो ऐप टैबलेट के लिए बनानी है या नहीं बनानी, टैबलेट के यूज़र आपके हैं या नहीं है। अगर नहीं है आपका काम और आसान हो गया, फ़ोन के लिए बनाना है, फ़ोन के ऊपर आपने लैंडस्केप की सपोर्ट देनी है या नहीं देनी, कुछ एप्लीकेशंस नहीं देती जैसा मैंने आपको बताया, तो अगर देनी है मसला नहीं है। तो फ़ोन के लिए आपको अगर रिस्पॉन्सिव करना है तो आप जो उसकी जो हाइट भी है उसको कभी स्टैटिक ना रखें। और यहाँ पे देखें मैंने एक व्यू यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने मैच पैरेंट दिया था, अगर मुझे यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे दो व्यू देने होते, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड और बीच में गैप, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं देता उसको कि 50% इसको 50% इसको, मैं वेट सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करता। वेट सम का कॉन्सेप्ट आप नेट पर इजीली देखें आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता नहीं समझ में आता मुझे कमेंट में बताएं नीचे, तो मैं वेट सम की एक वीडियो बना दूंगा कि वेट सम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि एक ही स्क्रीन पे विड्थ के ऊपर ज़्यादा चीज़ें आती हैं, सही है? तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं।